हेलो फ्रेंड्स, क्या आपके दांत में दर्द हो रहा है? आखिरी वाले दांत में, सबसे लास्ट के दांत में तकलीफ है आपको? उसको हम बोलते हैं विजडम टूथ, अकल दांत। इसके ऊपर पहले वीडियो बनाया हुआ है, कैसे दर्द होता है, इन्फेक्शन कैसे होता है, पस क्यों बनता है। इसमें आपने काफी पूछा हुआ है कि क्या सभी को निकलवाने की जरूरत होती है अकल दांत। उसमें बताया हुआ है कि अकल दांत को निकलवाना होता है आपको, लेकिन क्या सभी को अकल दाढ़ निकलवाने की जरूरत है? तो ऐसा नहीं है। इसमें हम सिंपली यही समझेंगे कि कब आपको अकल दाढ़ निकलवाने की जरूरत है। अगर दर्द है तो भी, और दर्द नहीं है तो भी, क्या आपको चेकअप करवाना चाहिए, कैसे आप चेकअप करवा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। चैनल में अगर नए हैं, पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करेंगे नोटिफिकेशन। मैं डॉक्टर हरिशंकर सोनी और आप देख रहे हैं इजी डेंटिस्ट्री। चलिए सिंपली इसको समझते हैं, विजडम टूथ। तो विजडम टूथ पता है आपको, जैसे आपको मैंने अभी बताया, 8th नंबर का दांत बोलते हैं नीचे से अगर हम देखेंगे तो, मिड से हम गिनते हैं तो लास्ट का जो दांत होता है ये 8th नंबर का अकल दांत, अगर पूरा निकला हुआ है, बाइट अच्छे से हो रहा है, होपफुली दिख रहा होगा आपको 8th नंबर का, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ ट्रीटमेंट नहीं कराना है। सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम करता है, इम्पेक्टेड रहता है, तब फंसा रहता है ज्यादातर, क्योंकि लास्ट का दांत है आप जैसे देख रहे हैं, फिर से दिखाता हूँ, यहाँ पर है, तो ये फिर जगह अगर नहीं है तो टिल्ट हो जाता है, अंदर फंस जाता है बोन में। इसके पहले का दांत ये, इसको हम बोलते हैं सेकेंड मोलार टूथ, और ये है हमारा विजडम टूथ। समझते हैं, अगर ये इस कंडीशन में है, ये हमारी पूरी बोन है, ऐसा समझेंगे आप, ये दांत निकला हुआ है, ये बोन के अंदर है, इम्पेक्टेड रहता है, फंसा रहता है। अगर तो आपका दांत ऐसा सीधा है, वर्टिकल है, इस दांत को कोई नुकसान नहीं है और जगह भी है, यहां पर पर्याप्त जगह है, फंसा ऐसा टिल्टेड नहीं है, तो आपको कुछ भी कराने की जरूरत इसमें नहीं है। वैसे भी आपको हो सकता है पता ही ना चले। हाँ, लेकिन अगर ये इरप्ट हो रहा है, ऊपर आ रहा है, तो यहाँ पर स्वेलिंग आपको दिख सकती है, इन्फेक्टेड होगा, खाना फंसेगा। जैसे अगर ये इसका एक कॉर्नर, जिसको हम बोलते हैं कस्प, ये अगर बाहर निकलने लगता है तो इतनी जगह खुल जाती है, बाकी जगह पैक रहती है, तो यहाँ पर खाना फंसने लगता है, इन्फेक्शन होता है। ऐसी कंडीशन में दांत को निकलवाने की जरूरत आपको नहीं है, अगर पर्याप्त जगह है, एक्सरे करा के देख लेंगे, डॉक्टर देख लेंगे आपके, तो एपरकुलेक्टोमी एक ट्रीटमेंट होता है, सिर्फ इसके ऊपर की जो जगह है, मसूड़ा ऐसा समझे आप, जो है इसको निकाल निकाल देते हैं, तो इसको जगह मिल जाती है आने के लिए, सिंपली ये अब आ जाएगा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, दांत भी नहीं निकालना पड़ेगा। सुन करके, एनेस्थाइज करके आपका जो गम है वो निकाल दिया जाता है। सेकंड कंडीशन है, देख रहे हैं आप, टिल्टेड है, फंसा हुआ है। अब इसमें हम अलग अलग कंडीशन नहीं समझ रहे हैं कि विजडम टूथ कैसे कैसे फंसता है, अलग अलग कंडीशन इंपेक्टेड रहता है, वो हम किसी और टॉपिक में कवर करेंगे। ये समझिए ऐसा है आपका दांत, इसको मैंने थोड़ा दूर बनाया हुआ है, ये बोन है, तो इस कंडीशन में भी अगर इन्फेक्टेड नहीं है तो आपको पता नहीं चलेगा खुद से। हाँ, आप यहाँ बीच से दांत जरूर गिन सकते हैं, 7 तक अगर दांत है, अगर आप और अवेयर रहना चाहते हैं, चेक कराना चाहते हैं कि आगे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा, तो एक्सरे करा सकते हैं। ऊपर अगर दांत नहीं दिखता है आपका, तो पता चल जाएगा अंदर दांत है या नहीं है, है तो किस कंडीशन में है, ऐसा अभी आगे हम समझेंगे, आगे कोई प्रॉब्लम तो नहीं कर रहा है। तो अगर इस कंडीशन में दांत है आपका और ये आगे नहीं जा रहा है, इस दांत को कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपने चेक कराया है, तो आप इसको निकलवाएं नहीं, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, अगर आपके डॉक्टर सजेस्ट नहीं करते हैं तो, क्योंकि कोई इशू ही नहीं है आपको, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और आगे अगर ये नहीं जा रहा है तो कुछ नहीं होगा। अगर ये इरप्ट हो रहा है, आगे पुश हो रहा है, जो हम नेक्स्ट कंडीशन में समझेंगे, अगर हो सकता है तो फिर आपको इसको निकलवा लेना चाहिए, इससे पहले कि ये इस दांत को खराब करे।
थर्ड कंडीशन, जब ये पुश करने लग जाता है दांत को, तो अंदर से बिल्कुल टाइट प्रेशर यहां पर देता है और धीरे धीरे करके ये खराब करने लग जाता है अंदर से ही। एक्सरे में ये बहुत क्लियर दिखता है। ऐसी कंडीशन में आपको इसमें भी दर्द होगा। जो अच्छा दांत है आपका, आपका खाने वाला दांत है जो हम खाने में यूज करेंगे, और ये तो खराब है ही, तो ज्यादा अच्छा है इसको आप पहले ही निकलवा दें। अगर आपको तकलीफ नहीं है और आपने किसी कारण से चेक कराया है और ये आगे बढ़ रहा है, प्रॉब्लम कर सकता है, तो पहले निकलवा सकते हैं। और अगर तकलीफ है ही और ऐसी कंडीशन में पहुंच गए हैं, तो डेफिनेटली इसको आप निकलवा दें। डॉक्टर से बात करें, डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे सर्जिकली ये निकलेगा, इसको निकाल दिया जाएगा। और साथ साथ में अगर ये गहरा हो गया है, डीप है, इसमें आपको दर्द है, तो इसको निकलवाने की जरूरत नहीं है, इसको आप रूट कैनाल ट्रीटमेंट से सेव कर सकते हैं और आगे आप फिर इसको आप यूज भी कर पाएंगे। तो ये विजडम टूथ है। जो आप क्वेश्चन करते थे कि आपको निकलवाना कंपलसरी है, कंपलसरी बिल्कुल नहीं। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इम्पेक्टेड नहीं है आपका दांत, मत निकलवाइए। चेकअप जरूर करा सकते हैं अगर आपको ऐसा लग रहा है, स्वेलिंग हो रही है, पस हो रहा है इस, या फिर बाहर, कई लोगों का बाहर दिखता भी है। जैसे यहाँ पर ही मैं आपको बना के दिखाऊं, ये हमारा 7 नंबर का दांत है, ऐसा कुछ भी आ जाता है। ये हमारी गम लाइन है, मसूड़े हैं, तो इससे बना देता हूं मैं। ऐसा आधा दांत निकला होगा, आधा फंसा रहता है, ऐसी कुछ कंडीशन भी हो जाती है। आधा दांत निकला हुआ है, आधा अंदर फंसा रहता है, इतना दिखता रहेगा। तो ऐसे में भी इन्फेक्शन होता है अगर यहाँ पर खाना फंसता है कुछ, तो सेम अगर यहाँ जगह है तो सिर्फ गम्स निकाल दिया जाएगा, नहीं तो इस दांत को आपको निकलवाना पड़ सकता है। सिंपली हर किसी को विजडम टूथ निकलवाने की जरूरत नहीं होती। 4 दांत होते हैं, 2 ऊपर 2 नीचे। नीचे वाले जनरली देखा जाता है ज्यादा प्रॉब्लम करते हैं फंसे होने के कारण, तो चेकअप करा लीजिए, जरूरत है तो निकलवाएंगे, नहीं तो मत निकलवाइए। मेंटेन करके रखिए, ओरल हाइजीन को मेंटेन रखिए। और हाँ, अगर इस कंडीशन में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मत निकलवाइए, कुछ समय के बाद चेकअप जरूर करा लें कि ऐसा ये आगे तो नहीं हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं करेगा, जो अच्छा दांत है वो क्यों खराब हो उसके कारण। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही, होपफुली क्लियर हुआ होगा, आपको हेल्पफुल रहा होगा वीडियो आपके लिए। कुछ कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ शेयर करिए। चलिए, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।